मवेशी मंडी जाते हुए हल्के रंग के पूरी आस्तीनों वाले और आगे से बंद कपड़े और जूते पहने कुर्बानी का जानवर खरीदते हुए अच्छी तरह यकीन कर लें कि इसके जिस्म पर चीचड़ियां ना हों। कुर्बानी का गोश्त बनाते और धोते हुए दस्ताने इस्तेमाल करें। ईद उल अज़हा की आमद पर कोंगो बुखार के केसेस बढ़ने का खदशा है। कौमी इदारा सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। कोंगो बुखार जानलेवा, बचाव के लिए खास एहतियात जरूरी। कौमी इदारा सेहत ने अपने अलर्ट में कहा है कि शहरी मवेशी मंडी जाते हुए हल्के रंग के पूरी आस्तीनों वाले और आगे से बंद कपड़े और जूते पहने, वापस आकर नहाएं और कपड़े तब्दील कर लें। कुर्बानी का जानवर खरीदने से पहले अच्छी तरह यकीन कर लें कि इसके जिस्म पर चीचड़ियां ना हों। कुर्बानी का गोश्त बनाते और धोते हुए दस्ताने इस्तेमाल करें। कुर्बानी के जानवरों का गोश्त अच्छी तरह पकाकर खाएं। कसाई और मुतासरा शख्स की कुर्बत रखने वालों को कोंगो बुखार से मुतासर होने का खतरा ज्यादा है। कोंगो बुखार की मखसूस अलामात में अचानक तेज बुखार, कमर, पट्ठों और गर्दन में दर्द, खिंचाव, मतली, कै, गले की सोजिश, जिस्म पर सुर्ख रंग के धब्बे कोंगो की मखसूस अलामात हैं। मसूड़ों, नाक और अंदरूनी अज़ा से खून का आना भी कोंगो बुखार की अलामात में शामिल है। कोंगो बुखार एक खतरनाक किस्म के वायरस से फैलता है जो ज्यादातर भेड़ बकरों, गाय, ऊंट, बैल, दुम्बे के बालों में छुपी चीचड़ियों में पाया जाता है। जब ये चीचड़ी किसी मवेशी या इंसान को काट ले तो ये वायरस मुतहरिक हो जाता है। कोंगो वायरस मुतासर जानवर की कुर्बानी के खून, टिश्यू या स्याल मादा से भी मुंतकिल हो सकता है। पाकिस्तान में रवां साल कोंगो बुखार के कुल 41 केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं। अहमद सुबहान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।